हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे अमृतसरी पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए 150 ग्राम प्याज को छील के बारीक काट लेंगे। एक हरी मिर्च बारीक काट लेंगे या बीच में से चीर लेंगे। 300 ग्राम टमाटर साफ पानी से धो के बारीक काट लेंगे। 400 ग्राम पनीर, पनीर को एक बार साफ पानी से धो लेंगे। पनीर को कद्दूकस कर लेंगे या हाथ से मैश कर लेंगे। पनीर को इस तरह से बारीक मैश कर लिया है। भुर्जी बनाने के लिए कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम बंद करेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है, गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, मीडियम पे की हुई है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरे को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है, हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। हरी मिर्च को इस तरह से बीच में से चीर लिया है मैंने। प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भून गए हैं, प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है। प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं भूना है। कटे हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच पिसा धनिया, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने एक छोटी चम्मच नमक लिया है। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, मैंने अदरक नहीं डाला है। मसाले को चला देंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल ना छोड़ दें और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। मैश किया हुआ पनीर डालेंगे। एक गिलास पानी डालेंगे, 250 ml का गिलास है ये। चला देंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं पनीर भुर्जी को फुल फ्लेम पे पकते हुए। बीच में 2-3 बार चला दिया था। इसमें डालेंगे चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डालेंगे, आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। चला देंगे। फ्रेश क्रीम डालने के बाद भुर्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा पकाने से क्रीम घी छोड़ना शुरू कर देगी। आधा मिनट हो गया है पनीर भुर्जी को पकते हुए। पनीर भुर्जी बन गई है, गैस फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आपको अमृतसरी पनीर भुर्जी की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।